कोई है? कौन हो तुम? मुझे क्यों किडनैप किया? क्या चाहते हो मुझसे?
परेशानी के लिए माफी चाहता हूं। अभी तुम ऐसी कमरे वाले ऑफिस में कंप्यूटर के सामने आराम से काम कर रहे होते, लेकिन मैं उस कीमती वक्त को बर्बाद कर रहा हूं। मैं हथियार से लोगों को नहीं डराता। तुम्हारे लिए यहां से निकलना बहुत आसान है। इस लैपटॉप में एक फाइल है। उस फाइल में एक अकाउंट नंबर है। बस उसमें 2 लाख ट्रांसफर कर दो, उसके बाद पैरों के लॉक्स खुद खुल जाएंगे। फिर उसके बाद तुम दरवाजा खोलकर जा सकते हो। दैट्स इट, सो सिंपल। एंड आई एम वेटिंग फॉर 2 लाख। Thank you.
राहुल क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं, किसने किडनैप किया है तुम्हें? पता नहीं कार्तिक, प्लीज हेल्प करो। हे रिलैक्स रिलैक्स, आराम से बताओ क्या हुआ। जब मैं उठा तो मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और कमरे में कोई भी नहीं था। किसी तरह मैंने हाथ तो छुड़वा लिए लेकिन पैरों में लोहे के कफ लॉक्स लगे हैं, वो नहीं खोल पाया बस मैं। तुम्हारा फोन कहाँ है? रीचेबल बता रहा है? फोन पर्स कुछ नहीं है। आर यू सीरियस? मैं सच कह रहा हूं कार्तिक। क्या कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं। तुम्हें ये लैपटॉप क्यों दिया है? इसमें एक वीडियो है जिसमें वो पैसे मांग रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। ठीक है, सबसे पहले घबराओ मत, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, मेरे चाचा पुलिस में है। ओके, लेकिन वो भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है, मैंने उन्हें तुम्हारी स्काइप आईडी दे दी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा लैपटॉप की चार्जिंग खत्म ना हो। अभी कितनी परसेंट बैटरी बाकी है? 88%। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है राहुल, क्यों किडनैप करेगा और किडनैपर भी आसपास नहीं है। तुम आईटी में काम करते हो इसलिए तुम्हें फंसा रहा है। मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है ना, मेरी आधी सैलरी क्रेडिट कार्ड और ईएमआई बिल्स में चली जाती है। कहने को एक कार, घर और महंगा फोन है, असल में कुछ नहीं। अगर मेरी नौकरी चली गई रिसेशन या ऑटोमेशन की वजह से तो बैंक ये सब उठा कर ले जाएगा। अब इन सब के बारे में क्यों बात कर रहे हो? पवित्रा हमेशा बोलती थी पैसे बचाने को, मैंने आज तक नहीं सुनी। तुम तब तक सेफ हो जब तक कि उसे पैसे नहीं मिल जाते। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई स्मार्ट प्लान है। वो पकड़ा जाएगा, तुम घबराओ मत। मुझे इस बात का डर है। मेरे अंकल ने जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे टाइप पे। कार्तिक, क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? वेरी बैड रिस्पॉन्स। मेरा नाम जानकर मुझसे मिलना चाहते हो? इसे बस एक किडनैप, ब्लैकमेल और डिमांडिंग मनी ही समझो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं होता, उसके लिए एटीएम कार्ड नंबर चाहिए, ओटीपी चाहिए जो मेरे फोन में आएगा। तुम्हारा सेलफोन कहाँ है? मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो फोन तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, मैं तुम्हारे लैपटॉप पर डिटेल्स भेज दूंगा। Thank you.
मिस्टर राहुल राणा। जी सर। मैं अनंत राम, क्राइम ब्रांच। कार्तिक ने तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बताया। तुम्हारे पास इंटरनेट कैसे है? किडनैपर कहाँ है? उसकी डिमांड क्या है? वो यहाँ नहीं है सर, उसने मुझे 2,00,000 रुपए ट्रांसफर करने को कहा है, इसलिए उसने ये लैपटॉप और ये डोंगल दिया। आर यू सीरियस? क्योंकि आजकल ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे प्रैंक्स करते हैं, फेसबुक पर स्टेटस डाल देते हैं। अगर हम इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे तो बेवकूफ बनेंगे। मैं सच कह रहा हूँ सर। ठीक है, क्योंकि ये डोंगल कनेक्शन है, हम तुम्हें ट्रैक कर पाएंगे सिर्फ इसके IMEI नंबर से ही। उस लैपटॉप में क्या तुम इसका IMEI नंबर चेक कर सकते हो? पता नहीं सर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ब्लॉक्ड हियर। OS तक कस्टमाइज किया हुआ है। ओके। डोंगल को हटाए बिना उसके नीचे की तरफ देखो, एक कैप होगी। उस कैप पर या उसके अंदर IMEI नंबर लिखा होगा। जगह कैसी है? आसपास कोई नहीं है? मैं कमरे में बंधा हुआ हूं सर। मेरे पैरों में लोहे के कफ लॉक्स लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक है शायद। पैसे मिलते ही ऑटोमेटिकली खुल जाए। उसने तुम्हें ये कैसे बताया? तुमने तो कहा वो आसपास नहीं है। जब मैं उठा तो इस लैपटॉप में एक वीडियो मिला, उसी में उसने ये सब बताया। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना इतना ईजी नहीं है राइट? ATM कार्ड चाहिए, OTP के लिए फोन चाहिए। मैंने भी उसे ही पूछा, उसने कहा लैपटॉप से वो डिटेल्स भेज देगा। उसने ही कब बताया? उसी वीडियो में? नहीं, उसके बाद। साफ साफ बताओ राहुल, तुम उस कमरे में अकेले हो, सिर्फ वीडियो से ही तुम किडनैपर से जुड़े हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? जब मैंने अपना स्काइप ओपन किया तो उसने मुझे कॉल किया। व्हाट? फिर वो तुम्हें मॉनिटर कर रहा है? कमरे में कहीं कैमरा होना चाहिए या तुम्हारा लैपटॉप उससे शेयर्ड होगा। So, जब तुम दूसरों से बात करो तो ध्यान रखना, और मुझे वो बैंक डिटेल्स भेजो। ओके, मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। किडनैप होने से पहले तुम कहाँ थे? तुम्हारा किडनैप हुआ कैसे? रात को मैं ऑफिस से वापस बाइक पर आ रहा था। रास्ते में किसी आदमी ने लिफ्ट मांगी थी। कुछ दूर जाकर मुझे बेहोशी और उल्टी होने लगी। मैंने बाइक रोक दी और फिर जब उठा तो मैं यहाँ बंधा हुआ था। उस आदमी का चेहरा याद है? वीडियो में जो आदमी वो कैसा है? रात का वक्त था तो मैं चेहरा नहीं देख पाया। वीडियो में जो आदमी है उसने मास्क पहना है। उसने लिफ्ट कहाँ मांगी थी? अंधेरी के पास। हाँ सर, अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पब गया हुआ था और थोड़ा नशे में भी था। राहुल, मुझे अपने बारे में बताओ, तुम्हारी जॉब, तुम्हारी सैलरी। मैं IT में काम करता हूँ, सैलरी 70,000 पर मंथ। तो उसने तुम्हारा पीछा किया होगा, वो उतना ही मांग रहा है जितना तुम कैपेबल हो। कोई सेविंग्स है? मेरे पिताजी नहीं है, माँ और सिर्फ एक बहन है। मेरी सारी सैलरी उन्हीं के लिए है। उसके अलावा मैं थोड़ा ऐशो आराम वाला था, बहुत पैसे उड़ाए और बिल भरता रहा क्रेडिट कार्ड्स के। सर, क्या आप मेरी माँ से मेरी बात करा सकते हैं? राहुल, उम्मीद मत छोड़ो, IMEI से तुम्हारे लोकेशन की ट्रैकिंग हो रही है। मेरी टीम तुम्हें रेस्क्यू करने वहीं आएगी, घबराओ मत। कितनी बैटरी है? 78%। See, this is a peculiar case. तुम IT में काम करते हो, ये जानने के बाद भी उसने तुम्हें लैपटॉप दिया, वो भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ, तो उसका मकसद कुछ और है।
क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? ये देखे सर, श्रीनिवासन, दिस इज सीरियस। राहुल डरो मत, हमारी टीम जल्दी ही वहां पहुंच जाएगी। सर राहुल, क्या मैं तुम्हारा स्टेटस जान सकता हूं? मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तुम्हें यह पहले ही बताना चाहिए था, इतना टाइम और चार्ज क्यों वेस्ट किया? तुम्हें इंटरनेट किस लिए दिया है? ताकि तुम अपने दोस्तों से पैसे मांग सको, ना कि पुलिस से बात करने के लिए। आई थिंक यू आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली। अपने पीछे देखो। लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन मेरा एक दोस्त मेरे लिए सब करता है। अगर तुम वहां बोर हो रहे हो तो ये वीडियो देखो, और देखने के बाद फिर डिसाइड करना कि पुलिस को इन्फॉर्म करना है या 2 लाख रुपए। मेरे अंकल ने कांटेक्ट किया तुम्हें? डरो मत, वो जल्दी ही पहुंच जाएंगे। कार्तिक, एक मदद कर दो, 2 लाख रुपए अरेंज कर दो। पागल मत बनो, क्या गारंटी है कि वो पैसे लेके तुम्हें जाने देगा? पर हम ये ट्राई तो कर सकते हैं ना, अगर पुलिस टाइम पर नहीं आई तो शायद वो सच में पैसे लेकर छोड़ दे, और मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी, शायद अकाउंट भी उसका नहीं है। हो सकता वो इस मरे हुए आदमी का हो, ताकि वो पकड़ा ना जाए। शायद, क्या पता वो ये दोबारा कर रहा हो, उस मरे हुए इंसान का इस्तेमाल करके भाग जाए और तुम्हें भी उसी की तरह मार दे। I'm sorry राहुल, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारे पीछे जो आदमी है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तुम कैसे कह सकते हो? उसने मुझे स्काइप पर एक वीडियो भेजी, उसमें मरा हुआ आदमी इसी चेयर पर बैठा हुआ था। वो भी दूसरों से पैसों की मदद मांग रहा था, लेकिन बीच में ही बैटरी खत्म हो गई और किसी ने उसे गोली मार दी। वो तुम्हें सिर्फ डरा रहा है। लेकिन वो डेड बॉडी, पहले की मरी हुई लाश भी तो हो सकती है, डराने के लिए। चेक करो,
उसने तुम्हें सिस्टमैटिकली प्लान करके किडनैप किया है, फिर उसे मारने के बाद लाश क्यों नहीं हटाई? ज्यादा मत सोचो कार्तिक, मुझे जल्दी पैसे चाहिए। मैं ऑलरेडी बहुत कर्जे में डूबा हुआ हूँ। पवित्रा हमेशा बोलती थी पैसे बचाओ, जरूरत में काम आएंगे। मैंने नहीं सुनी। क्या तुम पवित्रा को मुझे स्काइप कॉल करने को कह सकते हो? हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। थैंक्स राहुल, तुम ठीक हो ना? मैं सांस नहीं ले पा रहा। शायद तुम्हारा इनहेलर कहाँ है? उसी के। उससे कांटेक्ट करो और मांग लो। तुम्हारे लिए यहाँ से निकलना बहुत आसान है। इस लैपटॉप में एक फाइल है। उस फाइल में एक अकाउंट नंबर है। बस उसमें 2 लाख ट्रांसफर कर दो। मैं कमरे में बंधा हुआ हूँ सर। मेरे पैरों में लोहे के कफ लॉक्स लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक है शायद। राहुल डरो मत, हमारी टीम जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएगी। श्रीनिवासन लाइट्स ऑन करो। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, दिस इज येट अनदर पिक्यूलियर केस। क्योंकि काफी डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड है, इसीलिए सब यहाँ हैं। अपने इनपुट्स दीजिए। मिस्टर अनिल फ्रॉम साइबर क्राइम। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के साथ साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। आसानी से सिक्योरिटी और पासवर्ड हैक कर लेते हैं और अपराध बहुत चालाकी से हो रहे हैं। इन क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात है पासवर्ड। हम हमेशा ऐसे पासवर्ड रखते हैं जो हमें आसानी से याद रहे। नाम, माँ बाप का नाम, ऐसे पासवर्ड सेट करते हैं। अब नंबर्स पूछे जाते हैं। डेट, मंथ या ईयर ऑफ बर्थ हम साथ में जोड़ देते हैं। पासवर्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सिंबल्स भी पूछे जाते हैं। ज्यादातर लोग इन्हीं के कॉम्बिनेशन से पासवर्ड सेट करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर हैकर को किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन पता है तो वो ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके अकाउंट हैक कर सकता है, या फिर वो कस्टमर केयर पर कॉल करके वो इंफॉर्मेशन देके भी पासवर्ड रीसेट कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी किसी से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, और ऐसे कई मामले सामने आए हैं। बट इन दिस केस द किडनैपर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द विक्टिम। वो किडनैपर विक्टिम के लैपटॉप में बग डालकर जो भी पैसे उसके अकाउंट में जाएंगे, जिसे आप व्हाट डू यू कॉल मास्क मैन, वो सब पैसे ले जाएगा। सो
वो तब तक सेफ है जब तक पैसे ट्रांसफर नहीं होते। बैंक के बाहर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं शेयर करते हैं? हमारे बैंक में सब इंटरनल है, लेकिन कभी कभी अपने कस्टमर्स को पहचानने के लिए और उन्हें लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करने के लिए हम कुछ इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी वेंडर्स को बेचते हैं। एग्जैक्टली, यहीं से डेटा चुराया गया होगा, वरना कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है या नहीं और सैलरी की डिटेल्स और किस तरीके से पता लग सकती है। हम सिर्फ उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, कॉल सेंटर एम्प्लॉयज का भी अपना टारगेट होता है। आज की डिमांड सिचुएशन को पूरा करने के लिए हमें ये सब शेयर करना पड़ता है। डेटा की चोरी आजकल बहुत तरीकों से हो रही है, इसके बारे में फिल्म्स में भी दिखाते हैं। कस्टमर्स को सीधे कॉल करके ये बताना कि वो ऑफर्स और प्राइजेस के लिए एलिजिबल है। कस्टमर अपनी सारी डिटेल शेयर कर देते हैं। हम एक एक कस्टमर को बताते हैं कि बैंक कभी कोई पिन या नंबर आपसे नहीं मांगता, लेकिन कोई नहीं मानता। बल्कि कितने केसेस तो आपने ही मुझे भेजे हैं ना। तो इसका क्या सलूशन है? बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग पासवर्ड हो और उसी वक्त उसे बदल दो, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। इट्स गोइंग टू बी मोर डिजिटल इन द फ्यूचर। इंडिया आगे जाकर और भी डिजिटल हो जाएगा। लोगों को अभी से चौकन्ना होना पड़ेगा और हम तो आपकी मदद हमेशा करेंगे। सर, वो कन्नन का अकाउंट? हाँ, मैं मिल गया। मैंने डिटेल्स इंस्पेक्टर से शेयर कर दिए। सर, कन्नन एक गुमशुदा केस है, 2 दिन पहले ही कंप्लेंट फाइल हुई। क्या हम अकाउंट ट्रेस कर दे? नहीं, इसे कितने पर शक हो जाएगा। इंस्पेक्टर, क्या आपको कोई जानकारी है मास्क मैन के बारे में? ये मास्क कोई नॉर्मल पेपर या कार्डबोर्ड से बना हुआ नहीं है, ये फाइबर या प्लास्टिक से बना हो सकता है। जब हमने जगहों पर देखा जहां ऐसे मास्क बनते हैं, कहीं भी ये मास्क नहीं बना। लेकिन हमें एक आदमी के बारे में जानकारी मिली है। एक आदमी है कंबेला के पास, उसकी आंखें नहीं है, वो हाथ से मास्क बनाता है। उसके पास हमें कुछ मिला है। दिस इज द टैक्टाइल वर्जन ऑफ द मास्क। मास्क मैन शायद उसी आदमी के पास गया था। हम उस आदमी से पूछकर थोड़ा बहुत चेहरा बनवा पाए हैं। कुछ ऐसा। नेटवर्किंग टीम, राहुल की लोकेशन ट्रैक हुई और रेस्क्यू टीम कहाँ है? ये थोड़ा पुराना मेथड है बट इफेक्टिव। हर फोन की तरह डेटा कॉल्स डांगल्स का भी एक आईएम नंबर होता है। ये एक आईडी कार्ड की तरह है। इस आईएमआई नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि कोई फोन डेटा कार्ड कहाँ है। सपोज ए डांगल राहुल यूज कर रहा है। इसके आसपास या टॉवर्स हैं। जिस टावर की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, डांगल उसी से कनेक्ट होगा। आजकल की मॉडर्न टावर्स सिग्नल की डायरेक्शन यूज करके हमें आसपास के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कॉम्बिनेशन देता है। हम इसे जियो लोकेशन कहते हैं। बट द थिंग इज, जियो लोकेशन जीपीएस नहीं है। वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन। जो जियो लोकेशन हमें मिलेगी वो कोई सड़क, बिल्डिंग या घर या फिर अपार्टमेंट भी हो सकता है। बाई फॉर्चुनेट जो लोकेशन हमें मिली वो एक आधी बनी हुई आईटी बिल्डिंग है। We have shared the information to the respective teams. हमारी रेस्क्यू टीम रास्ते में ही है सर, और हमने लोकल पुलिस को भी जानकारी दे दी है, वो जल्द ही उस जगह पर पहुंच जाएंगे।
किडनैपर ने तुम्हें कॉन्टेक्ट किया? हाँ सर, उसने एक वीडियो भेजी है जिसमें उसने इस आदमी को गोली मारी है। शायद वो मुझे डरा रहे। कोई नई डिमांड? सिर्फ 2 लाख सर। तुमने उसे कुछ नहीं भेजा ना? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। भेज भी दोगे, रिस्क तभी है। कितनी बैटरी है? 38%। बैटरी खत्म होने से पहले टीम पहुंच जाएगी। फिर भी तुम उससे बातें करते रहो, कोशिश करो कि वो कोई जानकारी दे अपनी। शायद वो कोई साइको ही होगा। नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट है। एक बेवकूफ कंफ्यूज नहीं होगा, इंटेलिजेंट आदमी साइको होता है। आपने ऐसा कोई केस हैंडल किया होगा ना, कुछ बताइए ना जिससे कॉन्फिडेंस आए। हाँ, कुछ 6 महीने पहले हमारे पास ऐसा ही कुछ केस आया था। उसे भी एक कमरे में लॉक कर दिया था अकेले, लेकिन उसके पास फोन था, वो बहुत डरा हुआ था। मैंने ही बात की थी। आखिर में क्या हुआ? IMEI नंबर से उसका लोकेशन भी ढूंढ लिया था। वो चेन्नई या बेंगलुरु से थोड़ी दूर था। उसका नाम, हाँ, रंजीत। घबराओ मत, इस सिचुएशन में डरने की जरूरत नहीं है। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स डर की वजह से हो जाएंगी। We'll reach you soon. रंजीत। पैसे मिले? मैंने अपने दोस्तों से मांगे, जैसे मिलेंगे मैं दे दूंगा। गुड। तुमने मास्क क्यों पहना है? पकड़े जाने के डर से या पहचान छुपाने के लिए? यहां मास्क कौन नहीं पहनता? कोट सूट पहनकर इंग्लिश बोलने वाले जो खुद को बहुत आदर्श मानते हैं, अंदर से वो भी तो कातिल हो सकते हैं। तुम्हारे सारे महंगे फोन, कार, घर, सब कुछ तुम्हारी असलियत छुपाने के लिए ही तो है कि नहीं? लेकिन मेरी एक पहचान है। और ये मास्क मेरी पहचान है। इस मास्क के पीछे मेरा चेहरा अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, या फिर कोई चेहरा जिसमें हजारों चोट लगी हो। ये मास्क ही मेरी पहचान है। तुम हो कौन और मुझे क्यों किडनैप किया? सिर्फ पैसों के लिए? तुम्हारा मकसद क्या? इतना सिस्टमैटिक तरीके से प्लान क्यों बनाया तुमने?
तुम्हारे पास पुलिस को बताने के लिए भी तो कोई कहानी होनी चाहिए ना। चलो एक कहानी सुनाता हूं। कहानी मेरे ही जैसे एक इंसान की। मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं मानता, लेकिन मैं केओस थ्योरी को मानता हूं। जो भी हमारे आसपास होता है शुरू से, वो हम पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर करता है। जब मैं पैदा हुआ तो पूरा देश शोक मना रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी के पसंदीदा राजनेता को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। किस्मत कहो या कुछ और, मेरे पिताजी ने मेरा नाम उसी नेता पे रख दिया। फिर जल्द ही मैंने अपने पिताजी को भी खो दिया, जिसके बाद मैंने उस नाम का आधा ही इस्तेमाल किया, और मुझे वो नाम बहुत पसंद था। जिस साल मैं पैदा हुआ, उसी साल आईटी सेक्टर यहां शुरू हुआ। आईटी सेक्टर जो कि तेजी से फैला, उसने दो तरह के लोग बनाए, एक जिन्होंने बहुत कुछ पा लिया उससे, और दूसरा जिनका सब बर्बाद हो गया। जहां एक चांदी के चम्मच में खा रहा, वहीं कोई खाने तक के लिए तरस रहा था। तुम जैसे लोगों को मिसाल रखकर देश को बदल दिया गया। रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, अपार्टमेंट्स, बैंक्स और क्या नहीं। जो भूखे थे वो सिर्फ दो चीजें कर सकते थे, या तो भीख मांगना या चोरी। मैं चोरी करने लगा। अपना टैलेंट इस्तेमाल करके मैं चोरी करता हूं बिना पकड़े जाए। बट यू नो व्हाट, तुम जैसे लोगों से चोरी करना बहुत आसान था, बिकॉज यू गाइस आर बिजी शोइंग ऑफ योर अर्निंग। तुम्हें लगता है कि सोसाइटी में स्टेटस तुम्हारी सैलरी से डिसाइड होता है, लेकिन बेशक यहां कोई गांधी के पोते तो है नहीं। अगर गांधी भी आज जिंदा होते तो द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ नहीं लिखते और मेरी तरह बन जाते। तुम आईटी से इसलिए चलते हो क्योंकि तुम उतना नहीं कमा सकते। तुम्हें लगता है कि कॉन्फेशन से मैं कमजोर पड़ जाऊंगा? मैं लाल झंडे पकड़कर धरना देने वाला क्रांतिकारी नहीं हूं, मैं एक क्रिमिनल हूं, इंटेलिजेंट एंड अ क्रिमिनल। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारी पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। साइको।
कार्तिक, पैसे मिले? मैं एक साथ पूरे पैसे नहीं ला सकता, कुछ लोगों से मांगी है मैंने मदद, सिर्फ 30,000 बचे हैं, जितना मुझे मिला मैं भेजता हूँ। जल्दी अरेंज करो कार्तिक, उसके इरादे बहुत पक्के, उसे पैसे नहीं मिले तो वो मार देगा। मैं करता हूँ अरेंज, तुम तब तक वहां से निकलने का कोई और तरीका सोचो। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन उसने बहुत सोच समझ कर प्लान किया, मुझे नहीं लगता यहाँ से निकलना आसान होगा। तुमने हिचकॉक की मूवीज देखी हैं? कुछ भी परफेक्टली प्लान नहीं होता, एक अक्यूरेट परफेक्ट प्लान्ड मर्डर या चोरी जैसा कुछ नहीं होता। उसने बेशक प्रॉपर प्लान बनाया होगा, लेकिन कोई ना कोई छोटी गलती जरूर की होगी। हाँ, वो एक जीनियस है कार्तिक, उसने इंटरनेट और लैपटॉप दिया है मुझे, और उसे पता है वो पकड़ा नहीं जाएगा। तुम भी तो अलग नहीं हो ना, बल्कि तुम भी कंप्यूटर से 24/7 लड़ते हो, ऑफिस में काम और घर पे भी इंटरनेट। मुझे लगता है वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है। मुझे नहीं लगता, उसे नफरत है आईटी सेक्टर से, और तो और उसे पैसों की भी जरूरत है, तो वो हम जैसे लोगों को निशाना बनाता है। और तुम सही हो, ये अकाउंट उसका नहीं है, पीछे मरे हुए आदमी का है, उसके प्लान्स परफेक्ट है कार्तिक। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम वहां से नहीं निकाल पा रहे? पैरों में बस लोहे के कफ लॉक्स है। उसने कहा उसकी कोई चाबी नहीं है, सारा कंट्रोल उसी के पास है, जैसे ही पैसे मिलेंगे वो खुद खुल जाएगा। क्या तुम इसे तोड़ सकते हो? मैं ट्राई कर रहा हूं। लॉक से कोई वायर कनेक्टेड है? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर शायद ये वायरलेस ही होगा, ऐसा कम ही होता है कि लॉक की रेंज ज्यादा हो। मुझे लगता है कि वो आसपास ही है तुम्हारे। मुझे नहीं लगता वो इतना बड़ा रिस्क लेगा। फिर तुम्हारे कमरे में कुछ है जो लॉक को कंट्रोल कर रहा है? ही कार्तिक, वो कॉल कर रहा है, तुम वेट करो। पैसे मिले? नहीं। इतनी देर क्यों? मैं तुम्हें बता चुका हूं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं दोस्तों से मांग रहा हूं। मिस्टर राहुल, जरा एक बात सोचो, तुम जैसे कितने सारे लोग इसी तरह से कमा रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्यों किडनैप किया? क्यों सिर्फ तुम्हें जैसे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड और लोन के कॉल्स आते हैं? यू आर ऑल अंडर सर्विलेंस, तुम सब की मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस निगरानी में है, सब कुछ डेटा में है, और उसी डेटा से सब चलता है, चाहे क्राइम हो या बिजनेस। एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोगों से तुम्हें पासवर्ड बचा सकता है? वो सब छोड़ो, किसी रैंडम नंबर से कॉल करके कोई भी तुम्हारी सैलरी और खर्चे की जानकारी पा सकता है, और तुम्हारी भी। मेरे पास तुम्हारे बहुत से कलीग्स का डेटा मौजूद है। देखो, मैं मानता हूँ मैंने बहुत पैसे उड़ाए हैं, पर वो सब कर्जे ही तो है ना। मैं मानता हूँ कि कार, फ्लैट सब है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं है। मेरे पास 10 साल तक की EMI है। मिस्टर राहुल, शायद तुम अब भी मेरे डिमांड को सीरियस नहीं समझ रहे। मैं तुम्हें कुछ फोटोज भेज रहा हूँ स्काइप पे, वो देखने के बाद खुद डिसाइड करना कि क्या करना है। नहीं, उसने कुछ नहीं किया। पवित्र, पवित्र, प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज। उसने कुछ नहीं किया। चलो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, तुम दोनों के बस 4 लाख। अभी ये डिमांड है मेरी, मैं अभी तुम्हारी एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें तुम अपना अकाउंट नंबर और सिचुएशन बताकर पैसे मांगोगे। मेरा नाम राहुल है, मैं IT में काम करता हूँ, मुझे किडनैप किया है 4 लाख रुपए के लिए, मुझे पैसे नहीं मिले तो मुझे मार देंगे, जितना भी अमाउंट हो सके। अकाउंट नंबर पे दे दो,
0462 1238 567 854 IFSC कोड KKBK 00004 62। प्लीज जितना पैसा हो सके ट्रांसफर कर दे। प्लीज हेल्प मी, मुझे हेल्प करिए। दैट्स एनफ, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। बाई फॉर्चुनेट जो लोकेशन हमें मिली वो एक आधी बनी हुई आईटी बिल्डिंग। क्या किया राहुल, तुम्हारी वीडियो YouTube पे ट्रेंडिंग है लेकिन कोई तुम्हें पैसे नहीं देगा। बेकार में रिस्क ले रहे हो तुम। एक मिनट रुको, खुद देख लो। मेरा नाम राहुल है, मैं IT में काम करता हूं। मुझे किडनैप किया है 4 लाख रुपए के लिए। और कोई रास्ता भी नहीं था, उसने बल्कि पवित्रा को भी किडनैप कर लिया। तुम्हें कैसे पता? उसने एक वीडियो भेजी। तुमने सही से देखा? क्या वो पवित्रा ही थी? जब तक मैं ढंग से देखता वीडियो खत्म हो गई थी, पर वो वही है। उसने हमारा महीनों तक पीछा किया था।
क्या तुम 4 लाख रुपए अरेंज कर सकते हो? मिस्टर राहुल, तुम्हारी YouTube वीडियो मंत्री तक पहुंच गई है। हम आपके संपर्क में हैं। फिर क्यों? क्या आपको पता लगा मैं कहाँ हूँ? असल में हमने जितना सोचा था वो उससे ज्यादा होशियार है। आपका लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन उस डोंगल से नहीं चलता है। उसने किसी और जगह का डोंगल का IMEI नंबर इस डोंगल में चिपका रखा है। सिंपल ट्रिक। तो अब आपके लैपटॉप को वायरलेस मॉडेम के जरिए इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है। हमने अपना ट्रैकिंग सिस्टम चेंज कर दिया था। क्या आप अपने IP एड्रेस बता सकते हैं? सच बताइए, क्या आप रंजीत को बचा पाए थे? नहीं, हमारे पहुंचने से भी पहले वो खौफ से मर चुका था। कौन सी चीज है जो तुम वहां से नहीं निकाल पा रहे? क्या तुम इसे तोड़ सकते हो? फिर तुम्हारे कमरे में कुछ है जो लॉक को कंट्रोल कर रहा है। असल में हमने जितना सोचा था वो उससे ज्यादा होशियार है। सिंपल ट्रिक। तुम भी तो अलग नहीं हो ना, बल्कि तुम भी कंप्यूटर से 24/7 लड़ते हो। ऑफिस में काम और घर पे भी इंटरनेट। मुझे लगता है वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है। फिर भी तुम उससे बातें करते रहो। कोशिश करो कि वो कोई जानकारी दे अपनी। ये मास्क ही मेरी पहचान है। किस्मत कहो या कुछ और, मेरे पिताजी ने मेरा नाम उसी नेता पे रख दिया जिसके बाद मैंने उस नाम का आधा ही इस्तेमाल किया और मुझे वो नाम बहुत पसंद था। मैं लाल झंडे पकड़कर धरना देने वाला क्रांतिकारी नहीं हूं, मैं एक क्रिमिनल हूं। इंटेलिजेंट एंड अ क्रिमिनल। जब मैं पैदा हुआ तो पूरा देश शोक मना रहा था क्योंकि मेरे पिताजी के पसंदीदा राजनेता को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। जिस साल मैं पैदा हुआ उसी साल IT सेक्टर यहां शुरू हुआ। Thank you.
मेरे पास तुम्हारे बहुत से कलीग्स का डेटा मौजूद है। तुम जैसे कितने सारे लोग इसी तरह से कमा रहे हैं, लेकिन तुम्हें ही क्यों किडनैप किया? क्यों सिर्फ तुम ही जैसे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड और लोन के कॉल्स आते हैं? एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि हम जैसे लोगों से तुम्हें पासवर्ड बचा सकता है? अगर गांधी भी आज जिंदा होते तो द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ नहीं लिखते और मेरी तरह बन जाते। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, मैं आईडीआई बैंक से गांधी बोल रहा हूँ। हम आपको लो इंटरेस्ट रेट के साथ क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं सर। सर प्लीज अपना मंथली इनकम कंफर्म करें।
कार्तिक फोन उठाओ। बच गया क्या? तुम एक फ्रॉड हो। दरवाजे पर एक और लॉक लगा है। और तुम कौन हो? Why do you expect honesty if you are not? सच कहूं तो अगर तुमने वो 2 लाख रुपए दे दिए होते तो तुम्हारे पैरों से लॉक अपने आप खुल जाता, लेकिन तुमने अपनी चालाकी दिखाई और सभी लॉक्स को अनलॉक किया जिसे मैंने लगाया था। इंटरनेट मिला तुम्हें और स्काइप भी, और फाइनली पैरों के लॉक्स भी खोल लिया तुमने। बट यू नो वॉट, मैंने जानबूझकर तुम्हें एक क्लूज दिया ताकि तुम लॉक को खोल सको। तो तुमने पैसों के लिए किडनैप नहीं किया मुझे? तुम खेलना चाहते थे चोर सिपाही का खेल, खुद को दूसरों से ज्यादा चालाक साबित करना चाहते हो। दिस इज नॉट अ गेम, योर फेट माई फेट। तुम में और मुझ में बस इतना ही फर्क है कि तुम्हें जो डिग्रीज दी गई हैं वो ये सोच करके तुम सब कुछ जानते हो, मैं नहीं ले सका, इवन मैं ज्यादा जानता हूं। एजुकेशन कॉस्ट मेरे लिए उतना ही ज्यादा है जितना कि एक डिग्री वाले और एक नॉन डिग्री वाले एम्प्लॉय के बीच सैलरी में डिफरेंस होता है। आर ऑल डिग्री होल्डर्स क्वालिफाइड फॉर दैट? तुम में से कितने लोग हो जिसमें 50% भी टैलेंट है उस डिग्री के लिए? लेकिन हमारी इनकम तुम जैसे लोगों की सैलरीज पर ही डिपेंड करती है। वो हम ही हैं जो कि तुम जैसों को कॉल करते हैं क्रेडिट कार्ड और लोन्स लेने के लिए। वो हम ही जैसे लोग हैं जो कि तुम्हारे ऑफिस के बाहर नोटिसेस लगाते हैं। क्या तुम हमें थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट दे रहे हो? क्या तुम हमारे साथ भी अपने लेवल के लोगों की तरह बर्ताव करते हो? हम तुम जैसे लोगों के चक्कर काट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वी आर योर डॉग्स। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा, मैं उन सभी फालतू सोच वालों के साथ खेल रहा हूं जो कि समाज में इकोनॉमिकल डिफरेंस पैदा करते हैं। हो सकता है कि शायद मैं तुम्हें लालची लगूं। मे बी आई एम अ साइको, एन इंटेलिजेंट साइको। पवित्र बीच में क्यों है? उसे तो छोड़ दो। अब तुम ये खेल उसके लिए भी खेलोगे। लिसन केयरफुली, अब तुम्हारे हाथ में एक फोन है, वही सेम रूल जो कि पहले था, सेलफोन के बैटरी डाउन होने से पहले। यू हैव टू फाइंड द नंबर टू अनलॉक द डोर। द गेम इज ऑन। मकसद कुछ और है। मुझे लगता है वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है। एक बेवकूफ कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन एक ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी साइको होता है। कुछ 6 महीने पहले हमारे पास ऐसा ही कुछ केस आया था, उसे भी एक कमरे में लॉक कर दिया था अकेले, लेकिन उसके पास फोन था। लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन मेरा एक दोस्त मेरे लिए सब करता है। क्या आप रंजीत को बचा पाए थे? नहीं, हमारे पहुंचने से भी पहले वो खौफ से मर चुका था।